subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any updates. दोस्तों, स्वीट्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंजीरी। जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए पंजीरी बनाते हैं, तो आज हम पंजीरी ही बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम धनिया लिया है सूखा हुआ। वैसे आप आपके पास पाउडर है तो वो भी ले सकते हो, और वो पाउडर को आप 2 से 3 मिनट के लिए भून लो। तो मैंने धनिया लिया है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। धनिया भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हुआ है, इसको अब हम निकालेंगे। घिसा हुआ सूखा हुआ खोबरा लिया है हमने, ये भी हमने जितना धनिया लिया था उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा लिया है, मतलब आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर। इसको भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। खोबरे का कलर बदल चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। उतनी आधी कटोरी हमने मखाना लिया है, ये आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसको भी थोड़ा सा क्रिस्प होने के तक हम इसको भूनेंगे। ये भी ये मौसम की वजह से थोड़े से ऐसे हो चुके हैं, तो ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। अब देख सकते हो इसका भी कलर चेंज हो चुका है, इसको भी हम आप निकाल लेते हैं। बादाम लिए हैं 1/4 कटोरी, काजू लिए है 1/4 कटोरी, और हमने ये जो तरबूज के मेलन के बीज होते हैं वो भी लिए हैं, लेकिन इसको हम इसके बाद में गर्म करेंगे। इसको भी हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये मेलन के बीज हैं, इनको भी थोड़े देर के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। इनमें हमने कहीं भी अभी घी का यूज़ नहीं किया है, लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। क्रैकल हो चुके हो रही है, इनको भी हम निकाल लेंगे। इसमें पहले मैंने शक्कर पीसी थी तो थोड़ी सी शक्कर बची इसमें, तो पहले हम ये जो हमने धनिया भुन लिया था वो डाल देंगे। और इसके लिए मैंने ये खड़ी शक्कर मिलती है वो ली है, ये ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है, और ये हमारे मतलब कि ठंडा भी मिलती है हमारे शरीर को, इससे ठंडक मिलती है मतलब। तो वो भी मैंने जितनी हमने धनिया लिया था उससे थोड़ा कम हमने शक्कर डाली है इसमें। इसको हम बारीक पीस लेंगे। शक्कर और धनिया इस तरह से हमने बारीक पीस लिया है, इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हो आप कितने क्रिस्पी हो चुके हैं अब हमारे मखाने। इसको हम हाथ से भी ऐसे 2-3 टुकड़े कर सकते हो, ये देखिए। इसके थोड़े से टुकड़े कर लेंगे, और चीज़ों के और ड्राई फ्रूट के तो मैंने पहले ही टुकड़े कर लिए थे। काजू बादाम और वो जो मेलन बीन्स थे वो हमने मिक्स कर लिए थे पहले ही, जिसमें ट्रक दिए थे। ये मखाना भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये सूखा हुआ खोबरा और हमने जो पीस लिया है धनिया और शक्कर, मोटी शक्कर, ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा घी गरम करने के लिए रखा है, और इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर इलायची पाउडर डाली हमने। इनको सबको मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने घी थोड़ा सा गरम कर लिया है, मतलब कि पतला हो इसलिए। तो इसको अब मिक्सर में डाल देंगे, क्योंकि हमने घी का कहीं भी यूज़ नहीं किया था, तो इसमें थोड़ा घी डालते हैं तो टेस्ट भी अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा घी मिक्स किया है मैंने। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो हमारी ये जो पंजीरी है, जो गोपाल कृष्ण भगवान के लिए जन्म उत्सव के लिए हमने बना ली है, देखिए बहुत टेस्टी भी लगती है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें हर चीज़ हेल्दी भी है ये। आप चाहे तो जो मैंने शक्कर डाली है उसके बजाय आप इसमें गुड़ डाल के एक डाइट के लिए आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। बाउल में इसको निकाल लिया है पंजीरी को, और गोपाल कृष्ण को हर मतलब कि हम जो भी भोग लगाते हैं इसमें हमें तुलसी ज़रूर डालना पड़ती है, तो इसमें हमने तुलसी भी ऐड कर दी है। और हमारा ये गोपाल कृष्ण का जो जन्माष्टमी का भोग है ये तैयार हो चुका है।
आपको मेरी पंजीरी की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।